हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस टेक्निकल वाइट चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने किसी भी खराब मेमोरी कार्ड को ठीक कर सकते हो, वो भी CMD की मदद से। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरा जानेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट नई वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे अपने खराब मेमोरी कार्ड को ठीक करेंगे। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मेमोरी कार्ड है जिसका कि साइज इंक्रीज हो गया है, मतलब कि जो कि पहले 32 GB का था और अब वो घटकर जो है 2 GB, 3 GB या जो है उससे कम हो चुका है, तो आप जो उसे कैसे ठीक करेंगे इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा मेमोरी कार्ड है जिसका साइज जो है डिक्रीज हो गया है, तो आप जो है उसे इस मेथड की मदद से ठीक कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि आप इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक पेन ड्राइव है जिसका साइज डिक्रीज हो गया है। ये पेन ड्राइव जो है पहले मेरा 14 GB का था और अब जो है 16 GB का था और अब जो है ये 3.23 GB का हो चुका है, मतलब कि इसका साइज जो है डिक्रीज हो चुका है। तो हम जो है इसे वापस से ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे फॉर्मेट करके देखते हैं कि क्या ये फॉर्मेट करने से ठीक होता है। तो मैं यहाँ पर जो है इसे फॉर्मेट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या जो है ऐसे में ये जो है फॉर्मेट करने पर ये हमारा पेन ड्राइव ठीक होता है क्या या नहीं। तो हम इसे फॉर्मेट करते हैं। तो ये जो है हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये अभी भी जो है 3.23 GB का ही है। इस ये जो है अभी तक हमारा ठीक नहीं हुआ है। तो हम इसे जो है ठीक करेंगे, तो इसके लिए हम जो है कुछ मेथड अपनाएंगे। तो अगर आपके पास कोई ख़राब मेमोरी कार्ड भी है या SD कार्ड भी है तो उसे भी आप जो है इस मेथड की मदद से ठीक कर सकते हो। तो मेरे पास जो अभी ख़राब पेन ड्राइव है, तो मैं जो है अपने इस ख़राब पेन ड्राइव को ठीक कर रहा हूँ। तो हम इसे ठीक करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं, सर्च करते हैं डिस्क पार्ट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं DISK डिस्क PART पार्ट। तो हम इसे एक साथ डिस्क पार्ट लिखते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं डिस्क पार्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर जो है प्रोग्रामिंग डिस्क पार्ट आ चुका है। तो हम इसे जो है क्लिक करके यहाँ से रन करते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा ये जो है CMD स्टार्ट हो चुका है डिस्क पार्ट का। तो अब हमें यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे अब हमें टाइप करना है लिस्ट डिस्क, ताकि जो है हमारे कंप्यूटर में जितने भी डिस्क लगे हुए हैं उस सबके यहाँ पर लिस्ट आ जाए। तो हम यहाँ पर लिस्ट डिस्क लिखेंगे एक साथ। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लिस्ट डिस्क और फिर हम यहाँ पे ये लिख करके इस बीच में हमें स्पेस देना है, लिस्ट और डिस्क के बीच में स्पेस देके हमें इस तरह से लिखना है लिस्ट डिस्क और फिर हमें यहाँ पे इंटर दबा देना है। इसके बाद हमारे पास कंप्यूटर में जो भी डिस्क जो है लगे हुए हैं उसका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा नीचे वाला जो 14 GB का पेन ड्राइव है, ये हमारा वो पेन ड्राइव है जो कि ख़राब हो चुका था, जो कि 3.25 GB का शो कर रहा था। तो यहाँ पर आप देखते हैं उसका ओरिजिनल साइज़ यहाँ पर दिखा रहा है। तो इससे जो हम ठीक करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर आप अगला कमांड देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट डिस्क 1। तो 1 हमने लिखा क्योंकि हमारा यहाँ पर डिस्क का नाम बनता। तो आपका जो भी नाम हो आपको वो लिखना है, जैसे कि 1, 2, 3 जो भी आपका हो आपको लिखना है। तो मेरा 1 है, तो मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट डिस्क 1 और उसके बाद आपको यहाँ पे इंटर दबा देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे और डिस्क 1 इज नाउ द सेलेक्टेड डिस्क। तो अब हम यहाँ पे ये हमारा डिस्क सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे लिखना है क्लीन। तो हम जो है इसे क्लीन करते हैं, तो लिखेंगे हम CLEAN क्लीन और उसके बाद हम यहाँ पे इंटर दबाएंगे। तो ये हमारा जो है क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पे लिखाएगा तो हमारे यहाँ पे जो है ये क्लीन हो चुका है। अब हम अगला कमांड यहाँ पे देंगे। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे, तो क्रिएट पार्टीशन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट पार्टीशन स्पेस प्राइमरी। तो आपको इस तरह से लिखना है CREAT क्रिएट स्पेस पार्टीशन स्पेस प्राइमरी, इसके बाद आपको इंटर दबा देना है। तो ये हमारा जो है पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। अब हमें जो है इसे एग्ज़िट कर देना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एग्ज़िट EXIT एग्ज़िट हमने लिखा और इसके बाद आपको इंटर दबा देना है। तो ये हमारा बंद हो जाएगा। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर दोबारा से कंप्यूटर खोलना है और उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आप देखेंगे
कि हमारा साइज़ शो नहीं कर रहा है। तो अब हम जो इसे यहाँ से जो हमारा ये है इसे हमें जो है फॉर्मेट करना है एक बार और। तो अब हम जो है इसे दोबारा फॉर्मेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैपेसिटी जो है इसका 14.9 GB, मतलब कि हमारा ये वापस से ठीक हो चुका है। तो हम इसे पहले फॉर्मेट कर लेते हैं, तब आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो हमारा ये जो है फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है इसे क्लोज करते हैं और मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा जो है जो पेन ड्राइव ख़राब हो चुका था वो अब जो है यहाँ पे हमारा वापस से ठीक हो चुका है। तो आप जो है इस ऐसे ही अपने किसी भी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड को जो है इस मेथड की मदद से आप जो है आसानी से ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि आप कैसे अपने ख़राब मेमोरी कार्ड को, जिस मेमोरी कार्ड का साइज़ आपका डिक्रीज हो गया है, उसे आप वापस कैसे ठीक कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।